देश के सबसे बड़े लाभ बगान के जीर्णोद्धार की शुरुआत आज कर दी गई। लगभग 421 एकड़ विस्तृत क्षेत्र में फैले जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में कुंदरी लाभ बगान के जीर्णोद्धार और हर्बल गुलाब प्रोसेसिंग इकाई की विधिवत शुरुआत उपायुक्त अमित कुमार ने की। मौके पर DFO नरेश चंद्र सिंह मुंडा समेत अन्य विभागीय पदाधिकारी DPO DPM और कई जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। गौरतलब है कि रिद्धि सिद्धि प्राथमिक लाह उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड की ओर से क्षेत्र के पचकेड़ी में झारखंड राज्य के प्रथम पलास के फूल से हर्बल गुलाल निर्माण इकाई का उद्घाटन उपायुक्त के हाथों किया गया है। समारोह के मौके पर उपायुक्त अमित कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुलाल प्रोसेसिंग इकाई की शुरुआत झारखंड में सर्वप्रथम कुंदरी में ही की गई है। उन्होंने कहा कि हर्बल गुलाल उत्पादन से लोगों को बेरोजगारी का दंश नहीं झेलना पड़ेगा, नए नए रोजगार सृजन होंगे। साथ ही झारखंड के कुंदरी लाह बगान में अन्य जिले व प्रदेशों से भी लोग गुलाल बनाने की कला सीखने आएंगे। उपायुक्त ने कहा कि फूल से प्राकृतिक गुलाल बनाने सहित पलास के पेड़ में कई औषधीय तत्व भी पाए जाते हैं। जागरूकता बढ़ाकर औषध निर्माण के क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा कुंदरी वन क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। मौके पर उपायुक्त अमित कुमार द्वारा कुंदरी वन क्षेत्र में निर्मित 5 तालाबों के गहरीकरण कार्यक्रम का शिलान्यास भी किया गया।